दुनिया में, तो ये सब शिकार देखो देखो देख बहुत पेन से ओके वॉक करके आई मैं वॉक करके आई चलो थोड़ी देर योग कपाल भाती अनुलोम विलोम योग कर लेने मौसम बहुत अच्छा है बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। चलो मैंने कर लिया योग चल दिया कर लूँ फिर वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है ना ठंडा अच्छा हवा चल रही मॉर्निंग प्रेस कर लेंगे प्रेस तो मैं उठ गई हूँ गुड मॉर्निंग सब लोग तो मैं जाना कि गुरुद्वारा साहब तो मैं फटाफट नहा के चलो मैं फटाफट नहा देनी हूँ भी मैंने ना के ना ले लिया फिर मैं बातें करके आ जाऊंगी। मैं किचन जा रही चलिए भिंडी सब्जी रोटी बना लेनी है बस टिफिन पैक कर रही हैं तो रोटी बना रही हूँ पहले क्योंकि टाइम ये 7 बजे की कुछ दी चपाती बना रहे हैं Thank you.
और चपाती मैंने तैयार कर ली है, चलिए इसे पैक कर देते हैं। बिट्टी लाल टिफिन पैक कर देना। सब्जी ले लेंगे, आज बनी है भिंडी, भिंडी की सब्जी। चलिए इन्हें पैक कर देंगे। चलिए टिफिन कर दिया पैक। ग्रीन टी है, ड्राई नट्स, ब्रेड बन खाने, जो खाने भी वो खाए तुम्हारे बन खाए। लेकिन मैं तो साथ दे रही हूँ ग्रीन टी कर देते हैं। ग्रीन टी ग्लास पड़े ग्लास ग्लास मेरे को पता ये मैंने चल मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ, जैसा ड्यूटी जा रहे हैं। चलो फटाफट मैं रेडी हो गई, मैं जा रही हूँ गुरुद्वारा साहब। देते थे टिफिन पैक कर देता हूँ, बेटा भी रेडी होकर चले जाएंगे। तुम्हें तो चल रहे हैं, मैं जा रही हूँ। नहीं तो मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ। बच्चे अपनी अपनी तैयारी, अपना अपना काम करेंगे। मैं अपने मंदिर से मत्था टेक लेंगे कि परमात्मा खुशी ना देना, सब दुख देता है, नाश करना ही करना चाहता श्री पाचा। चलो मैं फटाफट गुजारे पहुँच दिया, फिर तो मिलते हैं। चलो ठीक है, बेटे का बहुत खराब हो गया।
चल कोई ना, आगे ठीक करा लांगे। खराब हो गया ड्रायर। चल ठीक है, तू चल जाए, मैं जा रही। चलो मैं पहुंच के गुरुद्वारा से। मौसम ठंडा है, मैं पहुंचने वाली हूँ गुरुद्वारा साहब। जल्दी जितनी कर लो, फिर मेरी लेट हो जाएगी। बेटे ने ब्रेकफास्ट देना होंगे, बेटे ने ऑफिस जाना होगा, टिफिन पैक करना, हंस करके लेट हो जानी है। फिर गुरुद्वारा साहब मैं पहुंच गई। गुरुद्वारा साहब जी काम चल रहा है नीचे बेसमेंट होंगे। चलो मैं लेट हो गई फटाफट, तो चलो चलते हैं। अरदास करके लेके गुरु महाराज सबनों खुशियाँ देना, दुख दुर्दा का नाश करना गुरु महाराज सबनों। तो फिर उसके कितने सोने फूल खिले, वाइट वाइट फ्लावर्स, छोटे छोटे फूल खिल गए। मौसम अच्छा हो गया, धूप निकल आई है, कोई मौसम ही अच्छा। चलो फटाफट कार पहुंच रहे हैं, बच्चे ने गाने अजय ड्यूटी। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सब नू, की हाल चाल थोड़े। मैं गुरुद्वारा साहब तो आ गई हाँ, टाइम देखो किन्ने हो गए, घड़ी 9 बजने वाले हो गए, बच्चे चले गए ड्यूटी, और हम देखो कार नू करिए साफ ते चलिए, देखिए क्या हो रहा है। दक्ष उठ चुके हैं, तो चलो करते हैं किचन के काम शुरू। तो जरूरी काम है, चलिए किचन साफ कर दें, फिर घर के काम करांगे, फिर बैठांगे तो करांगे गल्लां, और फिर ये पार्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी यूं ही चलती रहेगी। बच्चे चले गए अपने अपने कम्मां ते, तो मैं काम खत्म कर लाँ। फिर करांगे रिलैक्स। ओ जिंदगी क्या है तेरी कहानी, यूं ही निकल जाएगी। प्यार नहीं जिंदगी से, बिल्कुल नहीं। उनके जाने के बाद तो बिल्कुल नहीं। तो मैं कुंडी कर दिया बंद, और मैं चली चलेंगे हम किचन से काम कम कर दें, बर्तन साफ हो गए हैं। तो चलिए मैं कपड़े धो लेती हूँ, काम खत्म करते हैं फटाफट। ये पानी खोलना, तो चलिए मैं कपड़े धो लेती हूँ, चलिए कपड़े धो लेते हैं, फिर आपको कपड़े धो के मिलते हैं। मैंने कपड़े चेंज कर लिए, मैंने कहा हेलो मैं किचन चाहिए, बर्तन मैं क्या सेट कर लेते हैं, काम खत्म कर लिए किचन का। और उसी सुनाओ सब, मैं तो फटाफट ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, क्योंकि मैं चली गई सी गुरुद्वारे आके, कपड़े सफाई बर्तन सब कुछ करके हमें फ्री हो गया। मैं अपने वास्ते क्या बना लेते हैं, तो मैं
नेक्स्ट ना ब्रेड ले लाँगी, चाह तो सैंडविच बना लेने ब्रेड का। मैंने दो ब्रेड सैंडविच ब्रेड स्लाइसेस ले लेते हैं, थोड़ी जी ना मैं चटनी लगाती हूँ, ग्रीन चटनी जो फ्राई करती है कि बिल्कुल मैं सिर्फ दवाई करा कि ज़्यादा कीमत लगा रही हूँ, ब्रेड में अच्छी तरह से सीख जाएगी। थोड़ी सी मैं बनाई सी भिंडी, भिंडी की सब्जी, थोड़ी सब्जी पालती है भिंडी की। मैं खीरा ले लेता, थोड़ा जो मैं खीरा काट लाँगी स्लाइसेस खीरे दें। थोड़े से खीरे थे स्लाइसेस में सब्जी ऊपर रख देते हैं। थोड़ी ऊपर चटनी लगा देती है मैं, इस तरह मैं खीरे ब्रेड स्लाइसेस रख देते हैं चटनी, और इसको मैं तैयार कर लेनी है सैंडविच। फिर चाय चाय भी तैयार हो गई है, तो सैंडविच नू भी बाहर कर लेंगे। चलो गैस तो बंद कर देना, और सैंडविच तैयार हो गया बिल्कुल। तो फास्ट तैयार है मेरा, अब मैं चाय ले लेनी है, मैं चाय भी ले लेंगी ना, चाय गरम चाय अदरक वाली चाय। चलो चाय भी तैयार है, चाय सैंडविच नाल में थोड़ी जी सिर्फ थोड़ी जी चटनी ले लेनी है। वैसे तो वैसे ही चलो, तो मेरा हो गया ब्रेकफास्ट तैयार। चलो तो चलिए मैं ले आई हूँ ब्रेकफास्ट। टाइम हो गया 10:20, तो चलो कर लेने हैं ब्रेकफास्ट। तुसी भी खाओ सैंडविच। तो मैं इस तरह से परांठी बहुत कट खानी है इस टाइम। तो चलो फटाफट इन ख़त्म कर दिया, और फिर करते हैं घर देख, थोड़ा मशीन का भी काम है गया, तो फिर मैं बैठांगी मशीन पे। किसी का बैग सीगा बनाना सी, काफ़ी दिन तो टाइम नहीं मिल पा रहा, तो हूँ बनावांगी बैग। चलो तब तक ब्रेकफास्ट नो खत्म करिए। हेलो गाइस, आज सवेरे सवेरे ना खराब हो गया, तो मैंने ना जरा ठीक करना दे, बेटे ना ड्राई करना होता मुश्किल होती है, तो मैं 2 मिनट वापिस आ रही, सामने ही मार्केट है। तो मैंने थोड़ा सा दूध गर्म कर लिया है, इसे मैं कप में डाल लेती हूँ। आप सोच रहे होंगे दूध, मैं दूध पीने की कोई शौकीन नहीं हूँ बिल्कुल भी। डॉक्टर ने ना ये पाउच खोला है, हफ्ते में एक बार लेना होता है, तो क्योंकि गोड़े तो बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, हिम्मत नहीं फिर भी चल रहे हैं, तो चलिए इसे खोल के ना इसमें थोड़ा सा दूध ठंडा हो जाए, जो दूध में कुछ नहीं डालना इस पाउच को डालेंगे। वैसे तो चलिए इसे
पी लेते हैं दवाई समझ के, कोई तो दूध रहे ही नहीं, दूध तो पिया बचपन में। चलिए ऐसे ले लेती हूँ। तो चलिए शरीर तो चलाने हैं ना, जैसे भी चले। बेटे ने लिखवाया था डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा कि आप इन्हें आप ये दिया करें। तो चलिए खाना मानना पड़ता है सबका, जिंदगी यूँ ही निकल जाएगी, चाहे जितना कष्ट हो, उठना है, जो काम अपने करना है वो करना ही करना है, जो ड्यूटी हमारी है उसे हमने निभाना ही है। कपड़े धो लेते, कपड़े सूखने पा लेते, काम अपने में सारे खत्म कर लेते, काम तो नहीं कभी खत्म होते। तो चलो थोड़ा अपने वास्ते भी टाइम कर लिए, मैं थोड़ी देर करांगी आराम, मेरी ना बस मेरा भी शरीर ना इदा ही है, जितनी हिम्मत नहीं उस तो ज़्यादा मैं काम कर दिया, बच्चे गुस्से भी होते हैं। तो चलो मैं थोड़ी देर करांगी रेस्ट, रेस्ट इज बेस्ट। लाइट नू कर दे रही हूँ बंद, काम तो कभी ख़त्म नहीं होते, जिंदगी ख़त्म हो जाती है। धुप बहुत तेज है, बहुत ज्यादा धुप है। तो चलो मैं थोड़ी देर ना एसी ऑन कर लेनी है, फिर करते हैं रेस्ट। तो ये आटा है रात का, ये थोड़ा सा खमीर से उठ रहा है, तो चलिए इसका मैं यूज करती हूँ। कैसे, आटे को ले लेंगे, आटे को मैं इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको पतला कर लेंगे। मेरी सासू मैं ऐसे ही बनाती थी, तो मैं उसी तरह बनाने लगी हूँ। आटे को ना हमने थोड़ा सा पानी डाल के उसमें उसको फेंट लेना अच्छी तरह से। ओ, ओ, अभी रुक जा। आटे में हम थोड़ी सी हमने इसमें ऐड कर देनी है सौंफ, खाने वाली मीठी सौंफ या जो सी सौंफ, अचार वाली कोई भी सौंफ इसमें ऐड कर देनी है। और इसमें ऐड कर देंगे शुगर, चीनी, दो चम्मच चीनी ले ली है, ढाई चम्मच, उसे और अच्छी तरह से एक बार फेंट लेते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। तो इसमें एक पिंच हम बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा बिल्कुल, इस तरह फेंट लेंगे। तो चलिए हम तवा रखेंगे, तो हमारा बैटर तैयार हो गया। तो चलिए हम तवा रख लेते हैं, ये बैटर तैयार है। तो चलिए तवा रख, तो तवे को गरम कर लेते हैं। तवा गरम हो रहा है, तो तवा अच्छी तरह से गरम हो गया। तो एक बार इसे आप इसमें घी तेल जो आपको ठीक लगे वो डाल सकते हैं। इसके ऊपर मैं बैटर को ऐड कर देती हूँ। थोड़ी सी हमने चला देंगे, एक बार आटा बच जाता है ना इसका यूज हो जाएगा। चलिए इसे तैयार कर लेते हैं। इसे पकने देंगे, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जब इस तरह की ना बनती है ना। तो मेरी सास जब आती थी वो जरूर बनाते थे, मुझे बहुत याद आती है उनकी, बहुत प्यार करते थे।
फिर थोड़ा सा हल्का सा साइड पे ना लगा देते हैं ऑयल सा। फिर ये इसे चारों तरफ से घुमा देंगे। फिर हमारी मीठी रोटी बन जाएगी। तो आटा बच जाए तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे मीठे पूरे बन जाएंगे। तो हिमाचल वाले तो वैसे ही बहुत अच्छी डिशेस बनाते। हम लोग तो पंजाबी थे पर बहुत ही अच्छा लगता था जब ऐसी डिशेस मेरी सासू माँ बनाते थे। तो ये भी तो उल्टा लेते हैं। उल्टा देते हैं, थोड़ा सा लगाएंगे इसमें तो हमारी बहुत ही यम्मी सी डिश तैयार है। चलिए इसे निकाल लेंगे बाहर। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही करारी, बहुत ही खूबसूरत, यमी यमी, बहुत ही खुशबू अच्छी सी आ रही है। चलिए इसे निकाल लेते हैं। चीनी जो है ना उसकी खुशबू आती है जब ये चीनी बैठ सकती है, बहुत ही सौंधी सौंधी सी। तो चलिए तैयार हो गई, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही। दक्ष ये देखो मीठी मीठी डिश तैयार है तुम्हारे लिए। चलो मैं और बनाती हूँ, फिर मैं भी खाऊंगी। चलो इसे खाते हैं। चलिए इसे आप भी खाइए, भी खाते हैं। वाओ यम्मी यम्मी। आप चाहे तो इसे इसे फोल्ड करके खाएं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी।